आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वार्ट्ज हीटर की सर्विसिंग करेंगे। जैसा कि आप ये जान रहे हैं, ये इंडो कंपनी का फ्लिंट क्वार्ट्ज हीटर है और इसमें दो राड लगे हुए हैं हैलोजन के, जिसमें एक एक राड 400 वाट के हैं। और इसको यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये इसकी मेन लीड वायर है और यहाँ पर इसकी एक छोटी सी वायरिंग दी गई है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये न्यूट्रल का वायर ये दोनों ही राड में चला गया है, जबकि फेज सप्लाई दो स्विच से होके अलग अलग राड में गई है। जिस स्विच को हम ऑन करेंगे उस वाले राड में सप्लाई जाएगी और वो हीटिंग देगा हमको। जैसा कि मैंने बताया कि ये इंडो कंपनी का है और 800 वाट का है, यानी एक एक हीटर के जो राड लगे हुए हैं वो 400 वाट के हैं। इसमें हमें यहाँ पर दो स्विच मिली हुई है, जिसमें से एक स्विच को अगर हम ऑन करेंगे तो एक हीटर ऑन होगा, इसी तरह से दूसरे को ऑन करेंगे तो दूसरा ऑन होगा, जिसको भी हम चाहें ऑफ कर सकते हैं, यानी एक वक्त में किसी एक हीटर को हम ऑन कर सकते हैं या दोनों चाहें दोनों ही। यहाँ पर इंडिकेटर है, जब भी सप्लाई इसमें आएगी तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और यहाँ सेफ्टी के हिसाब से अगर ये हीटर कहीं गिर जाता है तो इस पोजीशन में यहाँ पर एक मेन स्विच लगी हुई है, ये गिरते ही बाहर की तरफ निकल आती है, जिससे ये पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है। और जब हम इसे किसी प्लेन सरफेस पर रखते हैं तो ये प्रेस हो जाती है, जिससे सप्लाई अंदर की तरफ जाती है, कुछ इस तरह से। ये ऑन पोजीशन में है, अब हम जिसे ऑन करेंगे वो ऑन करेगा। इस हीटर में जब भी हम यूज करते हैं तो हीटर में हीट के लिए जो राड लगा होता है उसकी हीट आगे की तरफ ही आए, इसके लिए इसमें बैक साइड में रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। ये इसका रिफ्लेक्टर है और ये रिफ्लेक्टर इस राड की हीट को सामने की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। अगर यहाँ पर डस्ट होगी या गंदगी होगी तो वो इस पर चिपक जाएगी इसकी हीट से, और रिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम आएगी और इसकी लाइफ कम हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें तमाम गंदगी है, तो इसे यूज़ करने के पहले सबसे पहले इसको प्रॉपरली साफ करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इसे क्लीन करेंगे, तो किस तरह से इसकी फ्रंट ग्रिल को रिमूव करना है और इसके रिफ्लेक्टर को क्लीन करना है, आज के इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रंट ग्रिल को रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं इस ग्रिल में चार लॉक लगे हुए हैं, दो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ। किसी भी तरफ के लॉक को हम निकाल लेंगे और ये बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा ताकत लगाएंगे और ये बिल्कुल आराम से बाहर आ जाएगा। एक तरफ का जब ये बाहर आ गया तो इसे बड़े ही आसानी से हम दूसरी तरफ फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से और ये बाहर आ जाएगा। फिर हम इसके रिफ्लेक्टर को किसी साफ कपड़े से आसानी से साफ करेंगे। यहाँ इसमें कुछ रस्ट टाइप का है, इसे हल्का सा रब कर लेंगे और देखते हैं कि ये छूट जाता है या नहीं। इसे किसी साफ कपड़े से अच्छी तरह से बहुत ही स्मूथली रब करके क्लीन कर लेते हैं, जिससे इस पर बहुत ज़्यादा इसकी शाइनिंग ना ख़त्म होने पाए। अब यहाँ जो रस्ट आ गया है इसे अगर हम रगड़ते भी हैं तो यहाँ पर ये डार्क निशान रह जाएगा। इसके लिए हम इसकी बहुत ज़्यादा रबिंग नहीं करते हैं, बस इसको हमने जनरली क्लीन कर दिया है। अब हम इसकी ये जो फ्रंट ग्रिल है इसे अपनी जगह कर लेंगे और इसे यहाँ लगाने के लिए सबसे पहले इस लॉक को इसके अंदर कर लेंगे एक तरफ से। और फिर इसे इस तरह से उठा के अपनी जगह पर ले जाएंगे और ये आसानी से इसके अंदर बैठ जाएगा। इसे प्रेस कर देंगे। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बताया कि किस तरह से क्वार्ट्ज हीटर की क्लीनिंग करते हैं, खास तौर से इसके रिफ्लेक्टर को। और जब
ठंडक का सीजन खत्म हो जाए तो हमेशा इसकी क्लीनिंग करके ही रखेंगे, जिससे इस तरह के रस्ट नहीं आएंगे। अगर रस्ट आ जाएगा तो ये खराब हो जाता है, और अगर इसमें रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा तो हीट सामने की तरफ नहीं आएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।